स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube के चैनल में। और टाइम आ चुका है ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स का। जी हाँ, काफ़ी सारे नए नए TW सैंपल लॉन्च किए जा रहे हैं और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेके आगे बने वीडियो। ये Lenovo ST20 है। जी हाँ, इसको यहाँ पे मोस्टली मैं लास्ट 10 या 12 डेज से यूज कर रहा हूँ। तो मैं करने वाला हूँ डिटेल रिव्यू कि एक्चुअल में आपको यहाँ पे क्या अंदर मिलने वाला है और कैसा ओवरऑल परफॉर्मेंस दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। पहले बात करता हूँ इसके बॉक्स की, तो आप देखते हैं ऊपर लिखा गया ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स ST20। टच कंट्रोल है, इजी टू ऑपरेट है, कंट्रोल हमें आपको प्रॉपर मिलेंगे और सपोर्ट स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा बेस मोड भी आपको मिल जाएगा। प्ले टाइम यहाँ पे बैटरी 5 आवर्स की दी गई है, एक्सीलेंट कंपनी ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाएगा। बैट टाइम यहाँ पे 150 आवर्स का है, टॉक टाइम 5 आवर्स का मिलेगा, म्यूजिक प्ले 5 आवर्स का मिलेगा, जो कि अच्छी चीज़ है। नॉर्मली होता क्या है, म्यूजिक प्ले बैक टाइम ज़्यादा होता है और जो टॉक टाइम होता है, जो कॉल टाइम होता है, थोड़ा कम होता है, बट यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इक्वली देखने को मिल रहा है। इनबिल्ट माइक है, टच बटन है, जो कि अच्छी चीज़ है। हमेशा से एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप कोई टीयर्स परचेज कीजिए, वहाँ पे मोस्टली रिकमेंड कीजिए कि आप टच वाले टीयर्स ही रिकमेंड कीजिए। और नॉइस रिडक्शन यहाँ पे दिया गया है। प्राइस आई थिंक 3,500 रुपये समथिंग कुछ पड़ जाते हैं और एट प्रेजेंट जो बेस्ट प्राइस है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां जाके परचेज कर सकते हैं और इसके बेस्ट परचेज प्राइस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अनबॉक्सिंग वाले वीडियो नहीं है, बट इन केस अगर आप देख रहे हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है, तो आपको मैं छोटा सा क्विक आइडिया देता हूँ कि एक्चुअली बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे Lenovo के डिटेल्स मिल जाते हैं, इनको मैं साइड में रख देता हूँ। इसके अलावा देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिल रहा है। अंदर आपको यहाँ पे USB टाइप 2.0 केबल मिल जाती है, टाइप सी केबल नहीं दी गई है, बट पर्सनली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्चुअल में टाइप सी केबल है कि टाइप 2.0 है। जी हाँ, यहाँ पे चार्जिंग टाइम ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्ड्स भी दिए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 2 पेयर एक्स्ट्रा बर्ड्स भी मिल रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। नॉर्मली जितने डिटेल्स होते हैं सबके साथ एक्स्ट्रा बर्ड्स मिलते हैं। बात करते हैं Lenovo ST20 की, तो आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में इनके जो बर्ड्स के डिजाइन वगैरह कैसे आपको मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे इनकी डिजाइन शेप वगैरह देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, वही एप्पल एयरपॉड्स जो सेकंड जनरेशन है, कुछ वैसे यहाँ पे डिजाइन दी गई है। थोड़ा सा यूनिक पैटर्न है, अलग पैटर्न है, एक्जैक्टली उसको कॉपी करने का ट्राई नहीं किया गया है। हमने पूरी अनबॉक्सिंग देख ली है, बात करते हैं इनके कंट्रोल्स डिपार्टमेंट की। जी, कंट्रोल्स के लिए वही नॉर्मल जो पैटर्न होता है, आप यहाँ पे सिंगल टैप करोगे जो फोन है वो इजीली रिसीव हो जाएगा। आप यहाँ पे इजीली आंसर कर सकते हैं, कॉल को कट कर सकते हैं, साथ ही जो सॉन्ग है वो भी प्ले और पॉज डायरेक्टली 1 टैप में हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे किसी का कॉल आ रहा है, आपको कॉल को रिसीव नहीं करना, कट करना है, तो आप यहाँ पे 2 बार टैप करोगे तो डायरेक्टली जो कॉल है वो वहाँ पे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे सॉन्ग को प्रीवियस करना है, तो आप लेफ्ट वाले बर्ड को यहाँ पे 2 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे, होल्ड करके रखोगे, तो जो सॉन्ग है वो प्रीवियस प्ले हो जाएगा। वहीं पे राइट वाले प्लग को अगर आप यहाँ पे 2 सेकंड प्रेस करके रखोगे, तो जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो डायरेक्टली यहाँ पे प्ले हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम को डाउन करना है, तो लेफ्ट वाले बर्ड को आप यहाँ पे 2 बार टैप करोगे, वॉल्यूम डाउन हो जाएगी। राइट वाले को यहाँ पे अगर आप 2 बार टैप करोगे तो वॉल्यूम अप हो जाती है। तो और साथ ही अगर आपको सीरी और गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करना है, तो आपको लेफ्ट वाले बर्ड को 3 बार टैप करना है, तो जो गूगल और सीरी असिस्टेंट है वो डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा। और वहीं पर इसके अंदर एक्स्ट्रा बेस मोड भी दिया गया है, तो अगर आपको उसको एक्टिवेट करना है, तो राइट वाले बर्ड को यहाँ पे 3 बार टैप करोगे तो डायरेक्टली एक्स्ट्रा बेस मोड एक्टिवेट हो जाता है। तो कंट्रोल्स आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे जो Lenovo ST10 है उसके इक्वल ही मिल रहे हैं। जी हाँ, तो क्यों ना एक छोटा सा कंपैरिजन भी कर दिया जाए Lenovo ST10, जी हाँ, जो कि मेरे पर्सनल कहीं ना कहीं फेवरेट है। Lenovo ST10 वर्सेस Lenovo ST20 एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो आई थिंक यहाँ पे आपके लिए बहुत ही सही रहने वाला है। सबसे पहले दोनों के यहाँ पे मेजर डिफरेंस की बात करता हूँ, तो वो पहली चीज ये है कि Lenovo ST10 के अंदर आपको यहाँ पे APTX मिल जाता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं APTX SD यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे Qualcomm चिपसेट दिया गया है, तो इसको आप इजीली इसके अंदर तो साउंड वाउंड थोड़ा कम डिले होगा। अगर पास APTX सपोर्ट करने वाला फ़ोन है तो साउंड डिले काफ़ी कम होता है। और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है वो भी आपको अप्रोक्स 8 आवर्स का मिल जाएगा। वही मैं बात करता हूँ ST20 की, तो यहाँ पे आपको कोई भी APTX वगैरह सपोर्ट नहीं दिया गया है। जी हाँ, साथ ही जो बैटरी बैकअप है यहाँ पे 5 आवर्स का बताया गया, जो कि Lenovo ST10 के अंदर 8 आवर्स का है, तो बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा आपको मिल रहा है। और प्राइस में यहाँ पर डिफरेंस है नहीं, 300-400 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए चेक करते हैं कि एक्चुअल में Lenovo ST10 वर्सेस Lenovo ST20 आपके लिए कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। और एक चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोनों के जो कंट्रोल्स हैं आपको ऑलमोस्ट इक्वल ही मिलेंगे। जो डिफरेंस है, पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको टच पैनल नहीं मिलता है, बटन दिए गए हैं। और इसके अलावा दोनों की डिज़ाइन थोड़ी सी अलग है और दोनों को आप एज ए सिंगल मोनोबर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, कई बार क्वेश्चन करते हैं लोगों के, क्या हमको सिंगल मोनोबर्ड यूज़ कर सकते हैं। सबके अंदर एक पर्सनल खुद का माइक होता है, तो आप सिंगल बर्ड भी इन सबको यूज़ कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर बात करता हूँ मैं बिल्ड क्वालिटी की। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं दोनों के चार्जिंग केस यहाँ पे कुछ ऐसे दिख जाते हैं। ओवरऑल बात करता हूँ तो पहली चीज यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी साइज के अंदर है। जी हाँ, तो Lenovo ST10 साइज थोड़ा छोटा है, तो आपके पॉकेट के अंदर इजीली कंफर्टेबली फिट हो जाएंगे Lenovo ST10 केस की क्वालिटी के अंदर। Lenovo ST10 की जो चार्जिंग केस की क्वालिटी है वो आपको अच्छी मिलेगी। वही हम ओपन करके चेक करते हैं एक्चुअल के अंदर इनकी जो बर्ड्स की क्वालिटी है वो आपको कैसे मिलने वाली है।
तो पहले बात करता हूँ मैं लेनो वैसे 20 की। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं उनकी जो डिज़ाइन जो शेप वगैरह कुछ ऐसे देखने को मिल जाती है। तो दोनों का आपको मैं दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसे यहाँ पे आपको क्वालिटी प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोनों दोनों कहीं ना कहीं डिसेंट क्वालिटी मान लीजिए। ज़्यादातर यहाँ पे जो मटेरियल है तो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है, बट लेनो वैसे 20 की जो क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी है। जी हाँ, अच्छी चीज़ क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे टच पैनल दिया गया है। अब इनको ओवरऑल देखोगे तो एक्चुअल आपको लगेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको जो बिल्ड क्वालिटी डिसेंट मान लीजिए, इनको वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी मैं नहीं कह रहा हूँ बट ओवरऑल एक डिसेंट क्वालिटी है। 4000 रुपीज़ के हिसाब से इनकी बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, बेस्ट नहीं कह रहा हूँ बट यस यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं ड्यूरेबल हो सकते हैं। आपको पहन के दिखाता हूँ एक्चुअल आपको लुक कैसे दे देंगे। तो पहला होंगे लेनो ST20। जी हाँ, और आप देख सकते कुछ इनका लुक ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा और कहीं ना कहीं यस काफ़ी स्टाइलिश लुक देखने को मिल जाता है। एप्पल के जो एयरपोर्ट्स आते हैं सेकंड जनरेशन कुछ वैसे आपको पैटर्न में देखने को मिलेगा। मैं बात करता हूँ लेनोवो ST10 की, तो इनको भी आपको पहन के दिखा देता हूँ। और ये मैंने कुछ पहना है और यहाँ पे इनका जो डिज़ाइन थोड़ा बेसिक सा डिज़ाइन है, तो स्टाइल स्टेटमेंट के हिसाब से लेनोवो ST20 ज़्यादा सही ऑप्शन है कम्पेयर टू लेनोवो ST10। और दोनों पहनने में कंफर्टेबल है। जी हाँ, और एक आपको मैं छोटी सी टिप देना चाहूँगा। जी हाँ, इनके जो बर्ड्स होते हैं जो स्टार्टिंग में बॉक्स के अंदर यहाँ पे जो लगे हुए आते हैं, कई बार क्या होता है आपके ईयर्स के हिसाब से एडजस्ट नहीं होते हैं, कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो पहली चीज़ आप क्या कीजिए, डायरेक्टली उन बर्ड्स को निकालिए एंड देन यहाँ पे इनको चेंज कर करके फिर पहन के देखिए जो आपके लिए बेस्ट कंफर्टेबल फिट देगा। आप उन बर्ड्स को लगा के इनको यूज़ किया करें ताकि आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और आपको जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। बट यहाँ पे ओवरऑल दोनों दोनों काफ़ी कंफर्टेबल है, आप इजीली इनको पहन के 2-3 घंटे इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद के दोनों के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो कंपनी ने क्लेम किया है कि लेनोवो ST20 के अंदर आपको यहाँ पे 5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, बट जब मैंने रियलिटी में चेक किया था तो मुझे 4 से 4.5 घंटे के आसपास, जब मैंने यहाँ पे 90% वॉल्यूम पे इनको यहाँ पे लगा के गाने सुने थे तो मुझे 4 से 4.5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिला था। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पे 4 घंटे से ऊपर का बैटरी बैकअप मिलता है तो उन TWS का बैटरी बैकअप डेफिनेटली अच्छा होता है, तो यहाँ पे मुझे बैटरी शिकायत नहीं है। मैं बात करता हूँ लेनोवो ST10 की, तो यहाँ पे कंपनी ने क्लेम किया है 8 आवर्स का बैटरी बैकअप, बट जब मैंने यहाँ पे सुना तो मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप अगर आप 80 से 90% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो मुझे मिला था। तो डेफिनेटली बैटरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी दी गई है लेनोवो ST10 के अंदर कंपेयर टू लेनोवो ST20। चलो बात करते हैं दोनों की डेली यूजिबिलिटी की। जी हाँ, क्या आप इनको डेली यूजिबिलिटी, जैसे आप मान लीजिए आप नॉर्मल वॉक पे जाते हैं, जॉग पे जाते हैं, रनिंग करते हैं, जिम के अंदर हैवी वर्कआउट करते हैं, क्या आप इनको यूज़ कर सकते हैं? तो पहली चीज़, वैसे पहनने में दोनों कंफर्टेबल है बट यहाँ पे स्लाइटली एडवांटेज है लेनोवो ST20 डिजाइन वगैरह है, आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। इवन आप इनको पहन के हल्के बहुत जॉग कर सकते हैं, वॉक पे इजीली जा सकते हैं, थोड़ी बहुत आप रनिंग में इनको पहन के कर सकते हैं। वहीं बात करता हूँ लेनोवो ST10 की, तो यहाँ पे वैसे तो आप इनको भी पहन के वॉक वॉक पे जा सकते हैं बट जब रनिंग की बात आएगी तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इनको एक्सेस सपोर्ट के लिए ऊपर एक छोटी सी कैप पहन लीजिएगा ताकि इनको थोड़ा एक्सेस सपोर्ट मिले और आपके ईयर से निकल के गिरे नहीं। जी हाँ, तो और ये जो एक्सेस सपोर्ट है मैं कहूँगा आप इन दोनों को दे दीजिए। मान लीजिए आप रनिंग वनिंग कर रहे हैं, आप घर से बाहर रनिंग कर रहे हैं और एक बार अगर आपके ईयर से निकल के गिर गए, इनको ढूंढ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो बहुत बार नुकसान हो जाएगा। और ओवरऑल डेली यूजिबिलिटी के हिसाब से आई थिंक यहाँ पे लेनोवो ST20 को 10 से 20% ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इनका जो डिज़ाइन है थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है कम्पेयर टू लेनोवो ST10। बट अगर आप इनको संभाल के यूज़ करने वाले हैं तो ईजिली दोनों दोनों आपके लिए डेली यूजिबिलिटी के हिसाब से यूजफुल हो सकते हैं। बात करते हैं दोनों के यहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट की। चीज़ यहाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। क्या हो अगर यहाँ पे मैं आपको अपना ओपिनियन नहीं दूँ, डायरेक्टली आपको एक लाइव कॉलिंग सैंपल सुना दूं कि लेनोवो ST20 कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और लेनोवो ST10 उनके कंपैरिजन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं एज पर कॉलिंग डिपार्टमेंट, तो देखिए एक लाइव सैंपल। तो ये जो आवाज सुन रहे हो ये यहां पे मैं लेनोवो ST20 से रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी मैं रूम के अंदर बैठा हूं, इंडोर कंडीशंस मान लीजिए, और यहां पे आपको प्रॉपर लगेगा एक्चुअली में जब रूम के अंदर हो, ऑफिस के अंदर हो, कार के अंदर हो, तो आपकी आवाज आगे कैसी जाएगी जहां पे पीछे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता है। और मैं नॉर्मल पिच लेवल पे बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपको लग रहा है एक्चुअल में कॉलिंग के हिसाब से लेनोवो ST20 कैसा परफॉर्म कर रहा है इंडोर कंडीशन के अकॉर्डिंग। दोस्तों ये जो आवाज सुन रहे हो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेनोवो ST10 से। जी हाँ, और इंडोर कंडीशन है, यहाँ पे मैं रूम के अंदर हूँ और आपको मैडम लगे एक्चुअल में रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर, गाड़ी के अंदर जब आप यहाँ पे बैठे होंगे तो आपकी आवाज आगे कैसी आती है, कितनी लाउड जाती है, कितनी क्लियर जाती है, और एक प्रॉपर आइडिया देने के लिए आई थिंक ये सैंपल सफिशियंट है कि लेनोवो ST10 अभी कैसा परफॉर्म करता है ड्यूरिंग कॉलिंग इंडोर कंडीशन के अंदर। देखो ये जो आवाज सुन रहे हो लेनोवो ST20 को ठीक कह रही है, मैं रूम से बाहर आ गया हूँ और सबसे पर हल्की बहुत आवाज़ चल रही है, जगह यहाँ पे ट्रैफिक कुछ और आपको एक्चुअल में यहाँ पे जब आप ट्रैफिक होते हैं हल्के की बात करो ट्रैफिक बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ लेनोवो ST20 कैसी जाएगी
आउटडोर कंडीशन कुछ छोटा सा लाइट ट्रैफिक गाइड होने के लिए आई थिंक ये सेंसर सफिशियंट है एग्जैक्टली कितने लाउड और क्लियर जाती है आवाज लेनोवो एसी 20 के अंदर। दोस्तों ये जो आवाज़ सुन रहे हो ये यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेनोवो एसी 10 के थ्रू और अभी मैं छत के ऊपर आ गया हूँ, आउटडोर कंडीशन है, पीछे यहाँ पे हल्की बहुत हवा चल रही है, छोटा मोटा यहाँ पे ट्रैफिक भी गुजर है, पीछे से यहाँ पे एक दो बाइक मैंने गुजर देखनी है और आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअल में जब आप यहाँ से रूम से बाहर निकलते हैं यहाँ पे लाइट ट्रैफिक होता है उस टाइम पे आपकी आवाज़ आगे कैसे जाएगी, कितनी लाउड जाती है, कितनी क्लियर जाती है और आगे वाला इंसान क्या आपकी आवाज़ सुन पाता है नहीं सुन पाता है और थोड़ा बहुत जो नॉइज़ कैंसिलेशन आइडिया है वो भी आपको लग जाएगा लाइट ट्रैफिक का। यहाँ पे आप इसके सैंपल के थ्रू इजीली आइडिया लगा सकते हैं। तो आपने दोनों का यहाँ पे कॉलिंग सैंपल सुन लिया है। यहाँ पे बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की, तो पहली चीज़ जो आपको नोटिस होगी वो ये है कि लेनोवो एसटी जो 20 है यहाँ पे जो आपकी आवाज़ है आगे इतनी क्लियर नहीं जाती, हल्की सी मोटी होकर आगे आवाज़ जा रही है। जी हाँ, साथ ही यहाँ पे बात करता हूँ मैं नॉइज़ कैंसिलेशन की, तो कॉलिंग के हिसाब से जो लेनोवो एसटी 20 है इनके अंदर मुझे नॉइज़ कैंसिलेशन देखने को नहीं मिले बिल्कुल भी। यहाँ पे मान लीजिए कि नॉइज़ कैंसिलेशन दिया नहीं गया है। मैं बात करता हूँ लेनोवो एसटी 10 की, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो आवाज़ है आगे काफ़ी क्लियर आती है, नेचुरल टोन आपकी जाती है, साथ ही आप जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो भी यहाँ पे इवन आप यहाँ पे जो लाइट ट्रैफिक होता है इसके अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे लेनोवो एसटी 10 नॉइज़ कैंसिलेशन के हिसाब से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है और कॉलिंग के हिसाब से आप लेनोवो एसटी 10 को प्रेफर कीजिए कम्पेयर टू लेनोवो एसटी 20। बाकी आप खुद समझदार हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको कॉलिंग सैंपल दिखाया है उसके थ्रू आप खुद भी यहाँ पे इन दोनों को इजीली कॉलिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से जज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के म्यूजिक डिपार्टमेंट की। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो यही है म्यूजिक डिपार्टमेंट की, एक्चुअली म्यूजिक के हिसाब से दोनों कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और लेनोवो एसटी 10 की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने अभी तक जितने वीडियो बनाए मुझे उनमें से काफ़ी अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस लगा है लेनोवो एसटी 10 के अंदर। म्यूजिक डिपार्टमेंट के अंदर मुझे यहाँ पे बेस अच्छा मिला था। जी हाँ, अगर आपके पास APTX फोन वगैरह है तो आपको ऐसी म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लेटेंसी लो मिलती है और ओवरऑल एक यहाँ पे अच्छी खासी बैलेंसिंग मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है बट यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स काफ़ी कम है, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कराता है, बेस अच्छा है, ओवरऑल जो बैलेंसिंग है वो अच्छी है और जो क्लियरिटी है वो आपको डिसेंट मिल जाती है, तो म्यूजिक के हिसाब से डेफिनेटली मैं इनको रिकमेंड कर देता हूँ। बात करते हैं लेनोवो एसटी 20 की। जी हाँ, तो यहाँ पे बताया गया कि आपको एक्चुअल के अंदर एक्स्ट्रा बेस मोड मिल जाता है। जी हाँ, बट बेस मोड से पहले बात करते हैं नॉर्मल मोड की। तो यहाँ पे जब मैंने इसके अंदर म्यूजिक सुना, जैन को पहन के जब मैंने म्यूजिक सुनना स्टार्ट किया तो पहली चीज़ सुनते ही आपको जो चीज़ फील होगी वो ये है कि यहाँ पे क्लियरिटी बहुत ही कम देखने को मिल रही है। जी हाँ, ट्राई किया गया कि एक्चुअल में यहाँ पे जो लाउडनेस है ज़्यादा कर दी जाए, फिर जो बेस है वो आपको ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाए, बट यहाँ पे जो क्लियरिटी होती है, जो ओवरऑल जो बैलेंसिंग वगैरह होती है साउंड की या फिर जो साउंड के जो इमोशंस वगैरह होते हैं वो आपको काफ़ी कम फील होंगे। कोई भी इंसान जिसे यहाँ पे म्यूजिक की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है उनको इनकी जो म्यूजिक एक्सपीरियंस की जो साउंड है वो यहाँ पे पसंद नहीं आने वाली है। तो पंजाबी सॉन्ग जिनके अंदर को हाई बीट्स मिलते हैं, बेस मिलता है, वो आप इनके अंदर सुन पाएंगे। जब मैं बात करता हूँ अपने नॉर्मल सॉन्ग की, यहाँ पे सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग वगैरह की, तो वहाँ पे जो सिंगर की वॉइस है वो थोड़ी सी मोटी आती है, ना ही आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी, जो सॉन्ग के जो इमोशंस वगैरह होते हैं वो आप यहाँ पे फील नहीं कर पाएंगे। लुक डेफिनेटली अच्छा है बट लुक के हिसाब से यहाँ पे जो म्यूजिक की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। इवन यहाँ पे एक्स्ट्रा बेस मोड भी दिया गया है। जी, आप राइट बर्ड को हमें 3 बार टैप करते हो तो इसका जो एक्स्ट्रा बेस मोड है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जब मैंने इसका बेस मोड एक्टिवेट करके गाना सुना तो मुझे वहाँ पे भी क्लियरिटी नहीं मिली। एक्स्ट्रा बेस के नाम पे यहाँ पे 10% जो म्यूजिक का जो लाउडनेस है वो यहाँ पे बढ़ा दी गई है, यहाँ पे क्लियरिटी के हिसाब से कोई वर्कआउट नहीं किया गया, तो जो एक्स्ट्रा बेस मोड है सिर्फ यहाँ पे नाम का ही है, आपको यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। म्यूजिक डिपार्टमेंट मैं इनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्लियरिटी, बैलेंसिंग, जो इमोशन वगैरह है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाद में बात करता हूँ लेनोवो एसटी 10 की, तो यहाँ डेफिनेटली बेस अच्छा है, ओवरऑल जो बैलेंसिंग वगैरह है वो अच्छी है और आप इजीली यहाँ पे 3-4 आवर्स तक इजीली म्यूजिक सुन सकते हैं, आपको यहाँ पे क्लियरिटी में लैग फील नहीं होगा। तो यस, लेनोवो एसटी 10 डेफिनेटली अंडर 4,000 रुपीज आपके लिए म्यूजिक एक्सपीरियंस के हिसाब से स्पेसिफिकली अगर आपके पास APTX वाला फोन है तो आपको काफी अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देंगे। इसका बात करूँ दोनों की यहाँ पे कनेक्टिविटी और रेंज की, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी रेंज के अंदर बात करूँ लेनोवो एसटी 10 की, तो यहाँ पे मुझे कनेक्टिविटी रेंज के अंदर कोई इशू देखने को नहीं मिला था, इजीली आप 10 से 15 फीट की दूरी पे इनको यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे बात करूँ लेनोवो एसटी 20 की, जो कनेक्टिविटी रेंज है आप मान लीजिए 10 से 12 फीट की ही है, जैसे आप 12 से 15 फीट की दूरी पे जाते हो
थोड़ा बहुत यहाँ पे साउंड डिस्टॉर्शन होता है, आपको लेनोवो एस 20 के अंदर एक डिसेंट कनेक्टिविटी रेंज मिल रहा है। अच्छा नहीं कह रहा हूँ, बट यहाँ पे लेनोवो एस 10 के अंदर आपको डेफिनेटली अच्छा कनेक्टिविटी और रेंज मिल जाती है। चलो बात करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है गेमिंग डिपार्टमेंट। तो पहली चीज, अगर आपको गेमिंग के हिसाब से कोई भी टी डब्ल्यू चाहिए होता है, फर्स्ट चीज आप देखिए उनके अंदर यहाँ पे बैटरी बैकअप कितना मिल रहा है। एटलीस्ट यहाँ पे 4+ आज का बैटरी बैकअप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पबजी से हाई ग्राफिक गेम खेलते हैं तो आप मान के चीजिए नॉर्मल जो प्लेबैक टाइम होता है वो नॉर्मली 1 से 2 घंटे से स्टार्ट होता है और बढ़ते बढ़ते 3-4-5 घंटे तक पहुंच जाता है। तो कम से कम आपको 4 घंटे वाला बैटरी बैकअप वाला टी डब्ल्यू चाहिए होता ही है। तो यहाँ पे दोनों एस पर बैटरी डिपार्टमेंट डेफिनेटली आपको डिसेंट बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपके फोन में APTX है और आप यहाँ पे टी डब्ल्यू जो परचेस कर रहे हैं वो भी APTX SD के साथ आता है, तो यहाँ पे साउंड डिले थोड़ा कम देखने को मिलेगा साउंड, और क्योंकि यहाँ पे लेनोवो एस 10 के अंदर आपको क्वालकॉम APTX वगैरह दिया गया है तो यहाँ पे साउंड डिले काफी कम देखने को मिलता है। वही बात करूँ लेनोवो एस 20 की, तो यहाँ पे साउंड डिले मुझे ज़्यादा देखने को मिला है, साथ ही थोड़ी बहुत जो साउंड है वो लैग भी होती है। तो गेमिंग के हिसाब से लेनोवो एस 20 तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेनोवो एस 10 एक डिसेंट आपके लिए गेमिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिल रहा है, 6 to 7 hours बैटरी बैकअप अच्छा है, साथ ही APTX दे दिया गया है तो साउंड डिले भी काफ़ी कम होती है, थोड़ा बहुत लैग इनके अंदर भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल एक डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं लेनोवो एस 10। लेनोवो एस 20 गेमिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एक और चीज, यहाँ पे दोनों वाटर प्रूफ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्वेट प्रूफ है। जी हाँ, तो आप इनको नॉर्मल पर्पज या फिर जिम विम के हिसाब से यूज कर सकते हैं, स्वेटिंग वेटिंग होगी तो यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर जाएंगे। इनको पानी के अंदर यूज मत कीजिएगा, नहाते वक्त स्विमिंग के टाइम में इनको यूज मत कीजिएगा, वाटर प्रूफ नहीं है। अब बात करते हैं मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से आपको इन दोनों में से कौन सा प्रीफर करना चाहिए। तो पहले मैं बात करता हूँ लेनोवो एस 10 की। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा म्यूजिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, बैटरी बैकअप अच्छा मिल रहा है, गेमिंग एक्सपीरियंस आप यहाँ पे इजीली इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा जो लुक है इतना स्टाइलिश नहीं मिलता है, बट ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अगर आपको यहाँ पे 3000 और 3500 के रेंज के अंदर मिलते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस, डिसेंट क्वालिटी एक्सपीरियंस मान लीजिए, ड्यूरेबल है, बैटरी अच्छी है, गेमिंग के हिसाब से भी आप इनको यूज कर सकते हैं, तो यस कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं बात करता हूँ लेनोवो एस 20 की, तो एक डिसेंट बैटरी बैकअप मिलेगा, कॉलिंग भी आप यहाँ पे डिसेंट मान लीजिए, क्लियरिटी मुझे इशू देखने को मिला है, चाहे पे म्यूजिक हो चाहे पे कॉलिंग हो, दोनों के अंदर क्लियरिटी में थोड़ी कमी है, बट देखने में थोड़े स्टाइलिश है, कंफर्टेबल भी है। बट आई थिंक मेरे हिसाब से इनकी प्राइस काफी ज्यादा कर रखी है, 3000 से 3500 रेंज यहाँ पे काफी ज्यादा प्राइस होती है। मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल बात करता हूँ तो ये इतने वर्दी नहीं है, क्योंकि म्यूजिक के अंदर क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, तो और आई थिंक यहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करा है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पे 2000 से 2500 रेंज के अंदर मिलते हैं तो आप इनको रिकमेंड कर लीजिएगा, बट 3000 से 3500 रुपीज पे करना मेरे अकॉर्डिंग इनके लिए वर्दी नहीं है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो, आई थिंक आपको इजीली आइडिया लग गया होगा एक्चुअल में आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों में से आपके लिए सही ऑप्शन कौन सा रहेगा। एक और चीज़, जब भी आप कोई भी चीज़ परचेज कीजिए पहले सोचिए कि एक्चुअल में आपके रिक्वायरमेंट क्या है। जी हाँ, पहले आप लिस्ट बना लीजिए कि यस मुझे ये पर्पज के हिसाब से कोई भी TWS परचेज करना है। उसके बाद यहाँ पे आप मार्केटिंग बिहाफ में नहीं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी चीज परचेज कीजिए, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे मार्केटिंग इतनी बड़ा चढ़ा के की जा रही है, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, काफी जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, यहाँ पे फेक प्रमोशन किया जा रहा है, पेड प्रमोशन किए जा रहे हैं, आप लोगों को आइडिया होता ही नहीं है कि एक्चुअल में मार्केट में कितने सारे TWS अवेलेबल है और यहाँ पे उनके प्रोज और कॉन्स क्या है। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे कंपनी से दूर रहिए जो आपको फेक मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर ऐसे यूट्यूबर्स जो आपको यहाँ पे फेक प्रमोशन बताए जा रहे हैं, सिर्फ आपको अच्छाई बताई जाती है, उनके प्रोज और कॉन्स मैं कहूं तो एक डिटेल रिव्यू कुछ बताया नहीं जाता है। और किसी भी चैनल के आगे टेक्निकल टेक गुरुजी लगाने से वो यहाँ पे बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो जाते हैं। तो और इस मार्केटिंग टाइम में ना तो नुकसान मेरा हो रहा है ना ही इन कंपनी वालों को हो रहा है, सिर्फ नुकसान हो रहा है तो आपकी हार्ड अर्निंग मनी का। तो हमेशा सोचे समझिए, स्मार्ट बनिए और उसके बाद ही अपना डिसीजन फाइनल कीजिए। इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कर सकते हैं, साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्मार्ट लाइक अप्रो नाम से बना हुआ है वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को स्मार्ट लाइक प्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहां पे ऑल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। मिलता हूं आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक हमेशा विमेन की स्पेक्ट कीजिए। सी यू टाटा, बाय बाय, टेक केयर।